के निरीक्षण में खुली मनरेगा कार्य की पोल, 70 में से 1.5 दर्जन श्रमिक की मिले मौजूद। SDM ने विकास अधिकारी के दिए कार्यवाही के निर्देश। समिति की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। मैट सरपंच सचिव व नरेगा के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की आपसी मिलीभगत के चलते नरेगा कार्यों में फर्जी कागजों में ही चला कर भुगतान उठाने का गोरख धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है, लेकिन अधिकारी इन फर्जी बाड़े के खिलाफ मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार को लाखों रुपये का चूना लग रहा है। मनरेगा कार्य में चल रहे गड़बड़ झोले की पोल उस समय खुल गई जब शनिवार को कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लेवड़ा के पोखर में चल रहे खुदाई कार्य का निरीक्षण करने SDM विनोद कुमार मीणा पहुंचे, तो वहां 70 श्रमिकों में से मात्र 1.5 दर्जन श्रमिक ही कार्य करते हुए मिले। शेष श्रमिक मौके से नरद थे। इस बारे में मौके पर मौजूद मैट भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। SDM ने विकास अधिकारी को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। SDM विनोद कुमार मीणा ने बताया कि कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लेवड़ा की वादी वाली पोखर में खुदाई कार्य के लिए 3 से 17 मार्च तक 70 श्रमिकों की मिस्ट्रॉल जारी की गई थी। पिछले 3 दिनों से नरेगा मैट द्वारा पोखर पर कार्य शुरू ही नहीं कराया गया। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने पर शनिवार को पोखर में कुछ श्रमिक कार्य करने गए, लेकिन इसी दौरान विनोद कुमार मीणा भी निरीक्षण के लिए वहां पहुंच गए तो मामले की पोल खुल गई। मात्र 15-20 श्रमिक ही कार्य करते हुए मिले, बाकी श्रमिक मौके से नरद्द मिले। SDM विनोद कुमार मीणा ने विकास अधिकारी KK जयमन को वह नरेगा योजना के कनिष्ठ तकनीकी सहायक व पंचायत समिति के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नरेगा कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मिली भगत को रोका जा सके। वहीं विकास अधिकारी KK जयमन ने बताया कि नरेगा मैट कनिष्ठ तकनीकी सहायक व पंचायत समिति सचिव को नोटिस जारी कर मांगा गया है दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत लेवड़ा में नरेगा की पिछले 2-3 दिन से शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो आज मैं मौके पर गया। तो वहाँ पोखर है, पोखर में नरेगा का काम चल रहा था, लेकिन जितने की वहाँ पे मस्ट्रोल इशू है उतने वहाँ पे लेबर नहीं थे। मैंने BDO पंचायत समिति से बात करी है, आगे उनकी जांच करवा के कि वहाँ पे लेबर उपस्थित क्यों नहीं थी और काम क्यों नहीं हो रहा है, उसकी जांच करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितनी लेबर सेंक्शन थी और कितनी मिली मौके पर? लेबर वहाँ पे 70 के आसपास लेबर सेंक्शन है और मौके पर 15-20 के आसपास लेबर वहाँ पर उपस्थित थी। इसी प्रकार कामा विधानसभा क्षेत्र की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाकर अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।